अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एमएससी पार्ट वन का आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? 6 होते हैं। साइन होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसेकेंट। कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट। टेंजेंट होता है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोटेंजेंट या कॉट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है? ए ओवर सी। ए यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एज अ परपेंडिकुलर, और सी रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूस को। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, और साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसेकेंट। तो साइन की जो वैल्यू होगी उसका उल्ट कर देंगे तो वो हमारे पास कोसेकेंट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से कॉस इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, और बेस को रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ, और सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूस को। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकेंट होता है। तो इसी तरह से सेकेंट इक्वल होगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के। अब नेक्स्ट हमारे पास टैन या टेंजेंट इसको बोलते हैं। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है ए ओवर बी, मींस के परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे डायग्राम में हमने ड्रा किया है, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी या नीचे वाली साइड होगी, ये हमारे पास बेस होगी, और ये जो हमारे पास थीटा से अपोजिट साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, और जो 90 के एंगल के अपोजिट साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी। अब ये परपेंडिकुलर है तो दो साइड आपस में परपेंडिकुलर कब होगी? जब एंगल उनका क्या होगा? 90 का होगा। तो ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पे थीटा की जगह पे चाहे 1000 थीटा भी आ जाए, स्क्वायर दोनों वैल्यू का होगा, एड अप होगी तो आंसर इक्वल आएगा 1 के। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। इसमें हम सेकंड जो है सेकंड का प्रूफ करेंगे। हमारे पास क्या है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल है सेकंट स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम अगर देखा जाए तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमने पैथागोरस जो थ्योरम है मसला फिसागोरस है उसकी स्टेटमेंट लिखी है। अब हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करवाना है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल आना चाहिए सेकंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हमें ए के नीचे अगर बी होगा तो ए मींस के परपेंडिकुलर ओवर बेस हो तो वो किसके इक्वल होता है? टैन के। और अगर आप यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा दें तो ये बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इनमें हमने किसी एक की जगह पे 1 लेके आना है। अगर हम ए के साथ डिवाइड करवाते हैं तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन फिर बी ओवर ए जो है वो इक्वल आ जाएगा कॉट के, वो इसका प्रूफ नहीं होगा। तो इसलिए आपने किसके साथ डिवाइड करवाया? बी स्क्वायर के साथ। यहाँ पे ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, इक्वल आ गया 1 के। अब ये दोनों वैल्यू का स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? होल का स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए ओवर बी किसके इक्वल होता है? टैन के इक्वल होता है परपेंडिकुलर बेस। इसकी जगह पे हमने टैन स्क्वायर लिख दिया है, और 1 जो है वो हमने पहले लिख दिया है, इक्वल आ जाएगा सी ओवर बी किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूस ओवर बेस इक्वल होता है सेकंट स्क्वायर थीटा। उसकी जगह पे हमने पहले रिप्लेस कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो वहां पे एंगल होता है 0 से लेके 90 तक। यहाँ पे 90 एंगल होता है, यहाँ पे 180, 270 एंड 360। अगर रिवाइज करवाते रहे दोबारा जो है हमारे पास रोटेशन करवाए इसकी तो एंगल बढ़ता रहेगा इसी तरतीब से। अब यहाँ पे मैं फार्मूला अक्सर यूज करता हूँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी कि इस साइड से हमने इस साइड की तरफ आना है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो तब एंगल पॉजिटिव होंगे, और जब भी इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो तब हमारे पास एंगल क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो यहां पर देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये फार्मूला यूज किया गया है। यहाँ पे आफ्टर का जो फर्स्ट ए है तो ए से हम यहाँ पे ये प्राप्त लेते हैं कि यहाँ पे आल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे।
तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, अभी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आर के आर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में आर पॉजिटिव होते हैं और सेकंड जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे एस जो है एस से साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट थीटा होता है, वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टी, तो टी से हमारे पास क्या प्राप्त किया जाता है टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव होगा और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट होता है, तो यहाँ पे कॉट और टेन पॉजिटिव होंगे, बाकी के जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सी है, तो सी से क्या प्राप्त लेते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंट थीटा, और ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है यहाँ पे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इसी जो टेबल है इस टेबल से हम ये कंक्लूड करते हैं कि साइन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसके साथ माइनस थीटा एंगल उसका माइनस में आ जाए तो वो माइनस स्टार्ट पे आ जाता है। इसी तरह इसके रेसिप्रोकल के साथ भी ऐसे किया जाता है कि अगर एंगल के साथ माइनस आ रहे तो वो माइनस स्टार्टिंग पे आ जाता है। अब कॉस है तो कॉस के साथ अगर एंगल माइनस होगा तो माइनस जो है वो स्किप हो जाएगा, कॉस की ये प्रॉपर्टी है कि वो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल होता है, टेन और कॉट के लिए सेम साइन वाला फंक्शन ही यूज किया जाता है। अब हम इन फंक्शंस को इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने अभी प्रॉपर्टीज की है इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द साइंस ऑफ, ये जो हमारे पास वैल्यूज दी गई है क्वेश्चन पर बाद में हम उनके साइन फाइंड आउट करने हैं। तो साइन 160 आ रहा है तो इसके हमें बताना है कि इसका साइन क्या होगा, अलामत क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 160 जो है वो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से क्या है छोटा है, तो ये 90 और 180 के दरमियान आएगा 160, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी अलामत क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है कॉस 190, तो 190 को अगर देखा जाए तो ये 180 से बड़ा है लेकिन 270 से क्या है छोटा है, तो 180 और 270 के दरमियान में लाइक आ रहा है 190 लाइक आ रहा है, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा और तीसरे में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए इसका साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, पहला हमारे पास साइन -310 के हमारे पास साइन के साथ एंगल क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तो अगर साइन के साथ माइनस एंगल आ रहे तो वो माइनस स्टार्ट पे लग जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा कि ये जो माइनस है ये स्टार्टिंग पे आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है सीकेंट -216, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज किया है सीकेंट माइनस थीटा, कि सीकेंट के साथ अगर माइनस एंगल आ रहे तो वो माइनस खत्म हो जाता है स्किप कर देता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या साइन आएगा प्लस का साइन आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इन विच क्वाड्रेंट द टर्मिनल आर्म लाई, कि जो हमारे पास टर्मिनल आर्म्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 के हमारे पास दो वैल्यूज दी गई है, एक है हमारे पास साइन थीटा लेस देन 0 है एंड कॉस थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0। यहाँ पे लेस देन का मीनिंग ये लिया जाएगा कि वो नेगेटिव वैल्यू है और जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसका मतलब है वो वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पे लेस और हमारे पास ग्रेटर का कैसे पता चलेगा, जिस वैल्यू की तरफ ये ब्रैकेट का मुंह जो है ओपन होगा वो वैल्यू बड़ी होगी और दूसरी वैल्यू छोटी होगी, और जिस साइड पे ब्रैकेट जो है क्लोज होगी वो वैल्यू छोटी होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला पार्ट है साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0,
तो साइन लेस देन जीरो का क्या मतलब है कि साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? तो साइन जो है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तीसरे में और चौथे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो और कॉस जो है वो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? कॉस थीटा पॉजिटिव होता है हमारे पास फर्स्ट में और फोर्थ में। अगर देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? चौथा क्वाड्रेंट आएगा। चौथा कोऑर्डिनेट ऐसा कोऑर्डिनेट है जहां पे साइन थीटा तो नेगेटिव होता है लेकिन कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों वैल्यूज किस में लाई करेंगी? चौथे कोऑर्डिनेट में लाई करेंगी इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास चौथा पार्ट है इसका सीकेंट थीटा लेस देन जीरो एंड साइन थीटा लेस देन जीरो। मीन्स के सीकेंट थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी क्या है? नेगेटिव है। तो सेकंड नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा? तीसरे में होगा और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे सेकंड क्या नेगेटिव होगा। और साइन नेगेटिव किस में होगा? सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। आप देखें यहाँ पे सेकंड जो है वो नेगेटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट में और साइन भी नेगेटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों वैल्यूज किस में लाई करेंगी? थर्ड क्वाड्रेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।